गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम रिवाइज चैप्टर 13 एंड 14। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिवीजन क्लास में चैप्टर 13 और 14 का जो भी टिक द करेक्ट ऑप्शन है और फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं उसको अच्छे से समझाने जा रही हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ के आप लिख सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं ये लेशन के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वैसे तो स्टूडेंट्स, आप इस लेशन को पढ़ चुके हो, लेकिन आपका एग्जाम आने वाला है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, इसीलिए आज मैं आप लोग को इसको अच्छे तरह से समझाने जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसका मीनिंग समझा के तब उसका ऑप्शन का क्या अर्थ है वो बताऊंगी, ताकि आप इस वीडियो को देख करके आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्या है, इन द स्काई वी सी थिंग्स। हाँ, आप स्काई में क्या क्या चीज देखते हो? यहाँ पर तीन ऑप्शन है। फर्स्ट है मेनी, नो, यस। मीन्स मेनी मीन्स बहुत सारी चीज, बहुत सारी चीज में मान लीजिए आप स्काई में क्या क्या देखते हो, स्टार को देखते हो, सन को देखते हो, है ना, मून को देखते हो, तो यहाँ तक कि रेनबो को भी देखते हो। तो हम लोग स्काई में ये डिफरेंट टाइप के चीज को देखते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन क्या है, मेनी, मेनी चीज आप स्काई में देखते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द स्काई वी सी थिंग्स। तो वी, इन द स्काई वी सी मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीज देखते हैं। कितने सारे जो स्टार्स है रात में ट्विंकलिंग करते रहते हैं, चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मेनी। इसका जो सही आंसर है वो मेनी। सेकेंड क्या है, द सन साइन। जो सन है साइन करता है, चमकता है। यहाँ तीन ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ब्राइटली, क्वाइटली, डन, है ना। फर्स्ट क्या है, ब्राइटली, क्वाइटली, नन। तो जो सन है वो किस प्रकार शाइन करता है, वो है ब्राइटली। तो आप ब्राइटली पे आप लगाओगे, जो सन है वो किस तरह शाइन करता है, ब्राइटली। थर्ड क्या है, स्टार्स आर डिफरेंट। स्टार्स क्या है, डिफरेंट, उसका कलर साइज। तो आप इसको क्या लिखोगे, बोथ पे टिक लगाओगे। अब फोर्थ क्या है, अर्थ इज आल्सो नोन एज। आप तो जानते हैं अर्थ को और क्या कहा जाता है, अर्थ को और ब्लू प्लैनेट। क्यों ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि जब आप अंतरिक्ष में से देखते हो तो वो वहां से जो अर्थ का जो फिगर है वो ब्लू कलर, क्योंकि अर्थ में ज्यादा से ज्यादा क्या चीज की मात्रा है, वाटर की मात्रा, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। ओके, तो आप क्या चीज पर टिक लगाओगे, ब्लू प्लैनेट पे। अब फाइव क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, यहाँ तीन ऑप्शन है, डिजास्टर, गुड थिंग, नन। तो अर्थ क्या है, एक प्रकार का डिजास्टर है। डिजास्टर मीन्स प्राकृतिक आपदा, है ना, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तो अर्थक्वेक क्या है, एक प्रकार का डिजास्टर है। तो आप क्या चीज पे टिक लगाओगे, डिजास्टर पे। अब ये तो आपका 13 और 14 का टिक द करेक्ट ऑप्शन था। अब क्या आपको मैं समझाने जा रही हूँ, अब समझाने जा रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। वी ऑल लिव ऑन, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर है अर्थ। हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ पे। सेकेंड क्या है, अर्थ इज आवर। अर्थ हमारा क्या है, होम प्लैनेट।
जहाँ पर हम रह सकते हैं। इसीलिए अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, होम प्लैनेट। थर्ड क्या है, एन अर्थक्वेक आर टू मेन डिजास्टर। ऐसे तो बहुत सारे डिजास्टर है, सुनामी हुआ, फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, है ना, ड्राउट हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, फ्लड। जो बाढ़ आता है वो भी एक तरह का क्या है, डिजास्टर। तो फ्लड एंड अर्थक्वेक आर टू मेन डिजास्टर। और फोर्थ क्या है, द कलर ऑफ क्लाउड। जो कलर ऑफ क्लाउड, जो क्लाउड का जो कलर होता है क्या है, ब्लू। ओके, एंड इसके बाद क्या है, फाइव में द कलर ऑफ मून इज। तो आप क्या लिखोगे, वो एक उसका जो कलर होता है वो सिल्वर कलर का, द कलर ऑफ मून इज सिल्वर। अब सिक्स में क्या, फिल इन द ब्लैंक्स है। ही वाज हीट एंड लाइट। कौन हमें हीट और लाइट दोनों देता है, तो कौन देता है, सन। सन के द्वारा हमें हीट और लाइट दोनों मिलता है। अब आपका लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ट्विंकल एट नाइट। कौन रात में टिमटिमाता है, तो आप क्या लिखोगे, स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारा है जो, तारे जो रात में क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि वो हमारे अर्थ से उसकी जो दूरी है बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो टिमटिमाता हुआ हमें दिखाई पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 13 और 14 का जो भी टिक द करेक्ट ऑप्शन है और फिल इन द ब्लैंक्स है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से लर्न कर लोगे, क्योंकि आपका पोस्ट मेट्रिक एग्जाम आने वाला है। ओके, बाय, थैंक यू।